Welcome friends, I am Rahul Agarwal, assistant professor in Biyani Group of Colleges. Welcome all of you on behalf of GuruGP.com. Welcome friends in our mental ability video lecture series. Today is our video lecture number 19. अभी तक हमारे 18 lectures हो चुके हैं जिसमें हमने 5 topics cover किए हैं. सबसे पहले हमने cover किया था directions, जो video lecture number 1 से ही था हमारा. फिर हमने cover किया था clock, 4th and 5th lecture में. फिर क्या क्या था हमारे पास, कैलेंडर था 6 से 9. फिर हमने सीरीज कवर की थी 10 से 13 तक. फिर हमने कवर किया एवरेज, वीडियो लेक्चर नंबर 14 से वीडियो लेक्चर नंबर 18 तक. आज हमारा लेक्चर है नंबर 19 और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस. तो आगे वाले 3-4 लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं सभी में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कन्फर्म मिलते हैं. प्रॉफिट लॉस बहुत ही जनरल टर्म्स है जो नॉर्मली हम यूज़ में लेते रहते हैं. कॉस्ट प्राइस, कितने में हमने प्रोडक्ट को परचेस किया. सेलिंग प्राइस, कितने में हमने प्रोडक्ट को सेल किया. तो मैंने किसी प्रोडक्ट को सेल करूँगा या तो नॉर्मली क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा. तो मान लो हमने 100 में परचेस किया, उसको सेल किया हमने 120 में, तो क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ. 100 में हमने परचेस किया, सेल कितने में किया, मैंने 90 में किया, तो उस केस में क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ. तो कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज लॉस क्या होगा, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स कहाँ कवर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में. तो क्या फॉर्मूला से, क्या बेसिक रूल्स रेगुलेशंस यहाँ चलने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉमनली यूज टॉपिक है जो नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए. क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं. तो प्रॉफिट और लॉस जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज, तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स नॉर्मली हमारे यूज़ में आने वाली है वो कौन कौन सी है. सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस. सेकंड आएगा हमारे पास एसपी फॉर सेलिंग प्राइस. वो थर्ड आएगा हमारे पास एमपी फॉर मार्क प्राइस. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने कोई भी प्रोडक्ट कितने में परचेज किया. एसपी मतलब उस प्रोडक्ट को हम किस प्राइस में सेल कर रहे हैं. मार्क प्राइस मतलब एमआरपी क्या, उसके ऊपर लेबल क्या है, लेबल प्राइस, मार्क प्राइस, प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्क किया वो उसकी क्या होगी, मार्क प्राइस. मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग अलग हो सकती है. मार्क प्राइस हो सकता है हमें क्या मिले, कुछ डिस्काउंट मिले, उसके बाद क्या आ जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी. अभी हम डिस्कस करने वाले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे मार्क प्राइस के कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना. तो या तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस. प्रॉफिट कब होगा, कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेस किया उससे ज़्यादा अमाउंट में उसको हमने सेल किया तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा. जो हमने परचेस किया उससे कम में हम उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें लॉस होगा. तो परसेंटेज प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज लॉस, कितना परसेंट लॉस हुआ, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट. तो उसके कुछ फॉर्मूलास हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे उसको हमें अप्लाई करना है. डिस्काउंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो एक सिनेरियो लिया मैंने यहाँ पे, मान लेते एक प्रोडक्ट मैंने परचेस किया कितने में, 1200 रुपीज़ में. यहाँ पे दो सिचुएशन ले रहा हूँ, एक बार सेल मैंने कितने में किया, 1600 में, एक बार सेलिंग प्राइस कितनी मेरी, 900. तो यहाँ पे हमने परचेस किया कितने में, 1200, सेल कितने में कर रहे हैं हम, 1600. मतलब सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से. तो इस केस में क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा. आपने कितने परचेस किया 1200 में, सेल कितने में किया 16, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 400 का. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, कैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये देखो फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितनी मेरे पास यहाँ पे, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी यहाँ पे, 1200, कितना आ गया, 400. तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 400. सेकंड देखिए, कितने में परचेस किया हमने, 1200 में, सेल कितने में किया मैंने, 900. तो यहाँ पे क्या हुआ, कम में सेल किया तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा. कितना लॉस हुआ हमें यहाँ पे, 300. लॉस कितना हुआ यहाँ पे, तो देखिए लॉस का फॉर्मूला क्या हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी यहाँ पे, 1200, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी यहाँ पे, 9. कितना आएगा, 300. तो लॉस कितना आ रहा है,
तो ये तो वो प्रॉफिट और ये वो लॉस। अब बात करते परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज लॉस कितना होगा। बाय डिफॉल्ट जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तब तक प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होगा कहाँ पे, सीपी पे। देखिए यहाँ पे दो चीज़ लिखी, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, परसेंटेज प्रॉफिट ओवर एसपी, यहाँ क्या लिखा ओवर एसपी। तो जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा तब तक कैलकुलेशन होगी कहाँ पे, ओवर सीपी, कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन किस पे होगी, ओवर सीपी, सीपी कितनी है यहाँ पे 1200 × 100, तो कितना आ जाएगा ये 400/12, इतना परसेंट क्या हो जाएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, कब, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे ओवर सीपी। तो नॉर्मली जो भी प्रॉफिट या लॉस है कैलकुलेशन कहाँ होगी, सीपी पे ही होगी। यदि आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको कैलकुलेशन करनी कहाँ पे, ये तो किस पे हो, सीपी पे होगा, मुझे कैलकुलेशन कहाँ करनी है, एसपी पे, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो इस केस में परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट कितना है 400 का, कहाँ चाहिए मुझे ओवर एसपी, कैलकुलेशन इस पर करनी मुझे एसपी, एसपी कितनी है 1600 करोड़, तो ये किस पे आ जाएगा ओवर एसपी। नॉर्मली प्रो किस पे होगा, सीपी पे होगा, एसपी है तो एसपी अपॉन में आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा, लॉस के लिए होगा। लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कितना लॉस हुआ कितने पे हुआ, कितना लॉस हुआ हमें, तो फॉर्मूला क्या, सीपी माइनस लॉस कितना हुआ 300, तो परसेंटेज लॉस कितना होगा अपॉन सीपी, सीपी कितना है यहाँ पे 200%। और यदि यहाँ पे परसेंटेज लॉस मुझे चाहिए था किस पे, ओवर एसपी, तो क्या होगा, परसेंटेज लॉस ओवर एसपी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस कितना हमारे पास 300 का, एसपी कितना है 900 × 100%। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम कैलकुलेशंस परफॉर्म, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या पता चला हमें, एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट, ये तो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे सीपी कितना है 1200 प्लस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 400, कितना आ गया 1600 क्या होगा एसपी। और लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, सीपी कितना है यहाँ पे, लॉस कितना हमारे पास, तो सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलास हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं कैसे हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए क्या हमारे पास, इस टाइप से आपको वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, उसको मुझे सॉल्व करना है। आपको बताना कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या फिर कितना परसेंट लॉस हुआ मुझे कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस किसके, कोई भी 12 ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस किसकी 9 ऑब्जेक्ट्स की। तो स्टेप की जो भी क्वेश्चन हैं उसका बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक तो दो क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस, एक क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कितने आइटम्स हैं यहाँ पे 12 आइटम्स, किसके इक्वल है 9 के, ये क्या हो गए हमारे पास क्वांटिटी। यहाँ पे आपको रुपीस नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको प्राइस गिवन नहीं है, बल्कि क्या गिवन है मुझे, क्वांटिटी। तो जब भी क्वांटिटी गिवन है उससे क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो आप उसको इंटरचेंज कर दो, वो क्या बन जाएंगे आपकी प्राइस के फॉर्म में आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, प्राइस क्या होगी, इनको इंटरचेंज कर दो, ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया मैंने भाई, इक्वल है ना यहाँ पे, इक्वल कब होगा 12 × 9, 9 × 12, इक्वल हुआ नहीं हुआ, अरे बात समझ। तो जब भी इक्वल गिवन है हमें तो आप इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, उनको इंटरचेंज कर सकते हो। डेट मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 9 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 12, परचेस कितने में किया मैंने 12 में, उसको सेल कितने में किया मैंने 9 में, कम में सेल किया तो क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ हमें 12 − 9, कितना हुआ 3। क्या पूछा है यहाँ से, परसेंटेज,
तो परसेंटेज लॉस कितना होगा यहाँ पे, लॉस कितने का मैथ थ्री का, और सी पी बाई डिफॉल्ट कैलकुलेशन पे होगी सी पी पे, सी पी कितनी यहाँ पे 12 × 100% कितना हो गया ये 4, कितना हो गया 25%, तो कितना लॉस हुआ मुझे यहाँ पे 25%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, तो वही सेम प्रोसेस रहेगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने की 6 की, कॉस्ट प्राइस कितने की 10 की, ये क्या हो गई हमारे पास क्वांटिटी हो गई, इससे क्या बन जाएगी प्राइस, इनको क्या कर दो आप इंटरचेंज कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 6, डेट मीन्स परचेस कितने में किया आपने 6 में, सेल कितने में कर रहे हो आप 10 में, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस 10 माइनस 6 कितना हुआ प्रॉफिट 4 का, और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 6 × 100% कितना हुआ ये 2/33 कितना हुआ 66.66%। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज लॉस क्या होगा। तो अब देखिए उसी टाइप के दो क्वेश्चंस और लिए मैंने, वहाँ पे इक्वल था, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं थी वहाँ पे, अब यहाँ पे क्वांटिटी गिवन नहीं है कि कितना सेल किया कितना कॉस्ट किया, प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में हमें गिवन है, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कितने मैंगो से, यहाँ पे सेल कितने किए हमने, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितने सेल किए मैंने 36 मैंगो सेल किए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या हुआ लॉस हुआ कितने का 6 मैंगोस ऑफ सीपी, मतलब 36 मैंगोस की सीपी से कितना लॉस हुआ मुझे 6 सीपी का लॉस, आई बात समझ में, तो क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास, ये तो कितने हुए 36, ये कितने हुए क्वांटिटी आ गई, तो क्या हो जाएगी प्राइस आ जाएगी, इनको एक्सचेंज कर दो कितना हो गया 300, डेट मीन्स परचेस कितने में किया मैंने 36 में, सेल कितने में कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉस कितना हुआ हमें 36 माइनस 30 कितने का लॉस हुआ 6, और परसेंटेज लॉस क्या होगा 6 अपॉन सीपी कितनी है 36 × 100% कितना हुआ ये 1/6 एंड 100/6 16 × 2/3%, तो इतना परसेंट क्या हुआ यहाँ पे लॉस, बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या है यहाँ पे ए सोल्ड 24 पेंस, मतलब सेलिंग कितने की हमने 24 पेंस 24 SP, यहाँ पे क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने तो है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है, किसका प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा प्लस होगा, ये क्या होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगी, क्या हो रहा है हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का 4 का, किसका SP का, क्या दिया हुआ यहाँ पे SP, तो 4 SP को SP के पास लिया हूँ, ये इसका यहाँ पे प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 SP, ये कितना हो गया 24, ये क्या हमारे पास क्वांटिटी, इससे क्या आ जाएगी प्राइस, प्राइस कितनी हो जाएगी अब 24, और डेट मीन्स परचेस कितने में किया मैंने 20 में, सेल कितने में किया मैंने 24 में, तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ मुझे 4 का, ओवर सीपी, सीपी कितना है यहाँ पे 100%, समझ आ रहा है कितना आ जाएगा 20% प्रॉफिट। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ हमने सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें अपन इसी में आगे चलेंगे प्रॉफिट एंड, जिसमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस अपन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल गुरु के पी.com। थैंक यू एंड थैंक यू।